Hey guys, my name is Shakib और आप देख रहे हैं techoop.com और ये है मेरे पास Realme X2 Pro। और guys ये जस्ट अभी लॉन्च हुआ था 10-15 दिन पहले। और guys इस फ़ोन का आपको जी कैम मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन guys ये आपको स्नैपड्रैगन 855 प्लस पे चलता है। और इसका जी कैम मैंने ढूंढ लिया है और काफ़ी ज़्यादा स्टेबल जी कैम है। आपको यहाँ पर जी कैम जो पिक्सल 4 वाला है वही आपको डालने वाला हूँ इसमें। तो गाइस सबसे पहले इसका आपको जो नॉर्मल कैम है उसको चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसकी एक फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ। और गाइस जो इसका नॉर्मल कैमरा है वो बहुत ज़्यादा क्वालिटी प्रोवाइड करता है। बेसिकली जो इसका आपको मेन कैमरा है वो आपको 64 मेगापिक्सल का है, उसके बाद आपको वाइड एंगल कैमरा है, उसके बाद आपको यहाँ पर टेलीफोटो है, उसके बाद है एक डेप्थ कैमरा। तो गाइस इसका जो आपको फंक्शन है बहुत कमाल का, जैसे कि आपको यहाँ पर वाइड एंगल मोड मिलता है, उसके बाद आपको यहाँ पर मैक्रो मोड है, मैक्रो मोड आपको बहुत क्लोजली फोटो क्लिक कर सकते हो, उसकी जो क्वालिटी आती है बहुत अच्छी आती है। उसके बाद आपको यहाँ पे नाइट विजन है और पोर्ट्रेट मोड है, पोर्ट्रेट भी इसका बहुत अच्छा है, मैं आपको लेकर दिखाता हूँ। तो ये सब जो चीज़ें गाइस इस फ़ोन में बहुत अच्छी हैं। स्टिल गाइस गूगल कैमरा भी सपोर्ट करता है और गूगल कैमरा आपको डालना एक बेनिफिट रहेगा, एक्स्ट्रा एड ऑन रहेगा। तो आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले लिंक में जो आपको लिंक मिलेगा वहाँ पे आपको जाना है, वहाँ से आपको करना है जी कैम डाउनलोड। जैसे आप डाउनलोड कर लोगे गाइस आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा फाइल मैनेजर में और यहाँ से आपको एक मिलेगा ऑप्शन APK का, आपको यहाँ पे मिलेगा जी कैम स्टार कैम नाम से मिलेगा आपको। क्योंकि जो स्टार कैम है वो डेवलपर करने में हल्का सा उसने कस्टमाइज़ कर दिया है और आपको यहाँ पे जी कैम ये सपोर्टिव है फुल सा, तो बहुत अच्छा चल जाएगा। तो इंस्टॉल ऐसा बड़े आसान तरीके से हो जाएगा, आपको ओपन कर लेना है आपको यहाँ से, और ओपन करने के बाद थोड़ा बहुत आपको परमिशन अलाउ कर देना है। और जैसे आप परमिशन अलाउ करते हो आपका जी कैम स्टार्ट हो जाएगा और आप देख रहे होगे जो फंक्शंस है यहाँ पे नीचे की तरफ आ गए हैं। आपके यहाँ पे पोर्ट्रेट का ऑप्शन है, नाइट साइट है, लेंस ब्लर है, ये सारे फंक्शन इसमें बड़े आसानी से काम करते हैं, वीडियो मोड भी काम करता है इसमें। सो गाइस सबसे पहली बात जो सेटिंग है आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ चला गया, आपको यहाँ पर टैप करना है, आपको यहाँ पर सारा सेटिंग मिल जाता है। जो क्विक सेटिंग्स है यही है, आपको यहाँ पर मेन सेटिंग यहाँ से मिलेगा और मेन सेटिंग में जाने के बाद आप स्टार वर्ल्ड में जाओगे और यहाँ से आप सारे सिचुएशन और हर चीज़ कंट्रोल कर सकते हो। तो गाइस आपको एक दो फोटो लेकर दिखाता हूँ फिर से, यही सेम ऑब्जेक्ट और यहाँ पर फोटो ले ली मैंने एक। सो गाइस जो फोटो ली मैंने इसमें आपको सिचुएशन बहुत बेकार है, मतलब कि सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको ठीक करने के लिए आपको जाना पड़ेगा इसके सेटिंग में और सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा स्टार वर्ल्ड में और स्टार वर्ल्ड में जाने के बाद आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा सैचुरेशन में और यहाँ पर आपको सिर्फ आपको सैचुरेशन का जो स्क्रीनशॉट है मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ। सो बेसिकली गाइस जो आपको मैंने सैचुरेशन सेटिंग रखा है ये मेरा पर्सनल सेटिंग है। और गाइस सीन क्या होता है कि इस वाले मॉड में जो रियर कैमरा से जो फोटो लेता है वो काफ़ी ज़्यादा डल रहती है, इसलिए सैचुरेशन मैंने थोड़ा ज़्यादा हाई रखा है। तो शेडो में आपको रखा मैंने 3.0 और हाईलाइट्स में रखा है 2.6 और इसके बाद जो फोटोज़ आती हैं काफ़ी क्लोज टू नेचुरल लगती है मेरे को। और जो फ्रंट कैमरा की जो सेटिंग है वो आपको एज डिफ़ॉल्ट एज ही रखा है मैंने। तो एक बार मैं आपको एग्जांपल देके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको सामने ऑब्जेक्ट रखा ही हुआ हमारे पास, तो इसके ऊपर फ़ोटो क्लिक करते हैं और आपको दिखाते हैं फ़ोटो। सो आप फोटो देख रहे हो गाइस काफ़ी ज़्यादा हल्का सा सैचुरेशन ज़्यादा है मैं मानता हूँ, लेकिन गाइस ये फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा अच्छी और वाइब्रेंट लग रही है। इसके ऊपर फ़ोटो क्लिक करते हैं, ये भी गाइस काफ़ी ज़्यादा सही फोटो आई है मेरे ख्याल से। आपको गूगल कैमरा से एक बार आपको सेल्फी लेकर दिखाता हूँ और सेल्फी में काफ़ी ज़्यादा नेचुरल आती है फोटो। सो ये वाली फ़ोटो मैं ले रहा हूँ अपनी और अब लेता हूँ नॉर्मल कैमरा से। सो आपको डिफरेंट दिखेगा, नॉर्मल कैमरा में काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन को इसने गोरा सा कर दिया है और काफ़ी ज़्यादा मतलब सही सा फेस कर दिया है इसने, जो कि नेचुरल फोटो नहीं है, ठीक है। जो गूगल कैमरा की फोटो है गाइस, ये वाली गूगल कैमरा की फोटो है, ये थोड़ा सा ज़्यादा नेचुरल है और इसने आपको येलो फेस कर दिया। बेसिकली गाइस यहाँ पे जो लाइट है सामने वाली ये येलो ही लाइट है, तो येलो पड़ रही तो बहुत ज़्यादा येलो दिख रहा है, लेकिन गाइस ये काफ़ी ज़्यादा नेचुरल है। और आपको यहाँ पे जो टी शर्ट का कलर है प्रॉपर ब्लैक है, ये इसने कहीं भी आपको ओवर एडिटिंग नहीं की है। और तो यहाँ पे आपको अच्छी फोटो, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है जो रियलमी कैमरा से आ रही है, लेकिन ये आपको हल्का सा ऑप्टिमाइजेशन अच्छा करता है।
और फेस को करता है गोरा। सो यही डिफरेंस है जो कि लोगों को पसंद नहीं आता है और मेरे ख्याल से आपको भी पसंद नहीं आता होगा। सो इस वीडियो का इतना ही था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा और गूगल कैमरा का ये छोटा सा क्विक वीडियो था। आपको इंस्टॉल करना तो बड़े आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा और सेटिंग थोड़ी बहुत आपको करनी पड़ेगी, खुद से कर लेना हल्का फुल्का। बाकी जो सैचुरेशन वाला सेटिंग है आप मेरा यूज़ कर सकते हो या फिर अपने से चेक भी कर सकते हो। सो गाइस इस वीडियो का इतना ही था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय। और सो सॉरी गाइज यार, मेरा आवाज़ बहुत ज़्यादा बजा हुआ है, बहुत ज़्यादा खांसी हो रखी है और मैं कैसी वीडियो बना रहा हूँ मैं ही जानता हूँ। सो उसके लिए एक लाइक करना तो कर सकते हो आप, प्लीज़ कर देना। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय।